भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम जो सामान्य सीमाएं हैं, जिसकी हम पड़ोसी सीमाएं, पड़ोसी देशों, पिछली कक्षाओं में हमने देखा था कि जो भारत है उसके पड़ोस देश, अंतर्राष्ट्रीय देश, जैसे कि आपने देखा उत्तर में आपका कौन है, चाइना है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है, और क्या 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 है भाई। तो उत्तर के बाद में आप पूर्व में गए तो आपने देखा कि हमारा पूर्वोत्तर भारत से लगा हुआ म्यांमार नाम का एक देश है, ठीक है। आपने पूर्व में देखा कि भारत के पूर्व में ही बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, जो बहुत सर्वाधिक सीमाएं जो हैं भारत से किसकी लगती हैं, तो बांग्लादेश की लगती है। ये सुंदर सा मध्य प्रदेश आपका भारत, ठीक है। इस भारत के उत्तर में जैसे हमने पड़ोसी राज्यों को देखा था तो चीन बताया था, पूर्व में यहाँ पर म्यांमार, यहाँ पर आपका बांग्लादेश, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, नेपाल, भूटान, और यहाँ पर आता है पाकिस्तान, ठीक है, और इस तरफ आता है अफगानिस्तान। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि भारत के ये पड़ोसी देश हैं और ये स्थली पड़ोसी देश हैं। ये कौन से देश हैं, स्थली पड़ोसी देश हैं, और स्थली पड़ोसी देश के बाद में अगर हम जली पड़ोसी देश की बात करें तो भारत के जली पड़ोसी देशों में श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका है, ठीक है, और इसके पास पड़ोस में अगर हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर आपका सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, और सुलेवासी, बोर्नियो, माने ये है इंडोनेशिया, इसका नाम मैं लिख देता हूँ सुमात्रा द्वीप, यहाँ पर जावा द्वीप है। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर हम देखते हैं कि इसकी स्थली चीज़ों को, सीमा को, तो ये इस तरह से आगे बढ़ता है, और आपका ये ए वाली जो खाड़ी है, ये खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। देखिए बंगाल की खाड़ी जो है आपकी कहाँ पर है, इस बंगाल के नीचे है, इसलिए इस बंगाल क्षेत्र के नीचे हैं, तो इसलिए ये खाड़ी कहला रही है आपकी बंगाल की खाड़ी। आपके पूर्व में जो है वो अरब सागर है, आपके पूर्व में जो है वो अरब सागर है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। हाँ सॉरी, पश्चिम में, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में याद रखना है अरब सागर है। अरब सागर के मध्य में यहाँ पर इसी के पास यहाँ खंबात की खाड़ी है, ठीक है, और खंबात की खाड़ी जो है वो उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। अब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश अगर यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर एक मालदीप नाम का देश आता है, मालदीप। मालदीप भी हमारा जली पड़ोसी देश है, जो मालदीप भारत के दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में स्थित है, याद रखना दक्षिण पश्चिम। और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप के रूप में आप देखेंगे कि यहाँ पर लक्षद्वीप आपको यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा, लक्षद्वीप। और बंगाल की खाड़ी के द्वीपों का नाम आप अच्छे से जानते हैं, जो मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया कि ऊपर वाला जो भाग है वो अंडमान है और नीचे वाला भाग जो है वो निकोबार है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पर ये, इसका नाम श्रीलंका है। आप जानते हैं कि हमारा जली पड़ोसी देश एक श्रीलंका है। तो ये मैंने लगभग आपको पूरा भारत का जो पड़ोसी मुल्क है, जो देश है, उनसे लगे और उनकी सीमाओं को हम देखते हैं। भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, उस रेखा का नाम आप अच्छे से जानते हैं, वह रेखा कौन सी है आपकी कर्क रेखा है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से, गुजरात से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से आपकी कोई रेखा गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। तो हमारा जो महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है वो है भारत की सीमाएं। भारत की जो सीमा है वो टोटल सीमा, अगर हम टोटल सीमा की बात करें, कुल सीमा, अब कुल सीमा में भी दो प्रकार की सीमा है, दो प्रकार की सीमा है, वो दो प्रकार की सीमा को देखें तो एक है स्थली सीमा, स्थली सीमा, ठीक है, और एक है जली सीमा, जली सीमा। जो स्थली सीमा है
जो स्थली भाग से लगी हुई है, माने इस बिंदु से प्रारंभ होती है और इस बिंदु पर समाप्त होती है। इस बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो पाकिस्तान के साथ में कुछ सीमाएं लगती हैं, कुछ बांग्लादेश के साथ, कुछ नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ, ठीक है। तो जो स्थलीय सीमा है ये 15,200 किलोमीटर के की जो सीमा है, 15,200 किलोमीटर और भी है स्थलीय सीमा, तो लगभग 15,200 किलोमीटर की जो हमारी स्थलीय सीमा, आपको यहां पर ध्यान रखना है। और ये स्थलीय सीमा जो है आपके ये इस वाले भाग से, यहाँ से प्रारंभ होती है, गुजरात से प्रारंभ होती है और ये पश्चिम बंगाल तक के जाती हैं, माने ये स्थलीय सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा में जो 3,323 किलोमीटर की सीमा है ये पाकिस्तान के साथ बनाई जाती है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा के साथ में है, अफगानिस्तान कितना 106 किलोमीटर सीमा, और नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा के साथ में नेपाल है यहाँ पर, ठीक है। भूटान 699 किलोमीटर के साथ में सीमा बना रहा है। चीन जो है, चीन की सीमा हम 3488 किलोमीटर के लगभग में हमारी सीमा का लगती है किसके, भारत के साथ। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर की है और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा हम यहां पर बनाते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि हमारे जो जली स्थली पड़ोसी देश हैं और स्थली पड़ोसी देशों की सीमा जो है इतने किलोमीटर लगती है। अगर हम टोटल करते हैं तो लगभग 15,200 किलोमीटर हमारी आती है पड़ोसी देशों के साथ। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि भैया भारत की सर्वाधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी बेटा, 4096 किलोमीटर की सीमा यहां पर लग रही है। अगली जो है दूसरे नंबर पर आते हैं चीन, 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। चौथे नंबर पर अफगानिस्तान की साथ में सीमा 106 किलोमीटर की सीमा लग, आपके नेपाल की आएगी बेटा चौथे नंबर पर 1751। पांचवे नंबर पर आपका यह जाएगा कौन, हाँ म्यांमार। फिर छठवें नंबर पर आ गया भूटान 699 और सातवें और अंतिम नंबर पे अफगानिस्तान। तो आपको क्वेश्चन बन गया क्लियर, क्या क्वेश्चन है कि सर्वाधिक सीमा भारत की किसके साथ लग रही है, बांग्लादेश के साथ 4096 और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लग रही है। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो अफगानिस्तान है ये लद्दाख से लगता है, किससे लग रहा है, लद्दाख वाले क्षेत्र से। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश। और अब आगे बढ़ते हैं तो जो अब यहां पर है जो पाकिस्तान के साथ, अब देखिए आपको ध्यान देना कि भारत का, भारत जो है, भारत का विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ 14 अगस्त को 1947 को, कौन बना, पाकिस्तान बना, बना या नहीं बना, पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को। तो पाकिस्तान के साथ एक सीमा बनाई भारत और पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाई, उस सीमा को कहा गया रेड क्लिप रेखा। अब आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान इस समय यहां पर पश्चिम पाकिस्तान के नाम से जाना जा रहा है, पश्चिम पाक, और यहाँ पर पूर्वी पाक के नाम से, पूर्वी पाक के नाम से, तो पश्चिमी पाकिस्तान और यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये जाना जा रहा है। ये पूर्वी पाकिस्तान बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। ध्यान देना बच्चों, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि पूर्वी पाकिस्तान कब बना, तो बाद में बांग्लादेश के साथ में बना है कौन, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर पाकिस्तान यहां पर पश्चिमी पाकिस्तान बन जाएगा, ओके। और स्थलीय सीमा 15,200। अब हम आगे बढ़ते हैं तो भारत के साथ में सीमा जो है रेडक्लिफ रेखा का निर्माण आपका पंजाब, राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में रेडक्लिफ रेखा का निर्माण किया।
रेड क्लिप रेखा, ठीक है बेटा याद रखना, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ वाली, ठीक है। अब एक इससे पहले की एक रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, 1896 में स्थापित की गई थी, इसका नाम है ड्यूरंट रेखा। ड्यूरंट रेखा, जो ड्यूरंट रेखा है ये अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में थी, लेकिन पाकिस्तान से अलग होने, भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो अब वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इससे पूर्व इस पूर्वोत्तर भारत और अन्य क्षेत्रों में एक रेखा खींची गई मैकमोहन रेखा, जो चाइना और भारत के बीच में खींची गई थी। 1914 में भारत और चाइना के बीच में खींची गई एक रेखा, जिसको शिमला समझौते के अंतर्गत खींची गई। शिमला समझौता 1914 में हुआ था ब्रिटिश भारत और चाइना के बीच, तो ये आपको ध्यान रखना है, बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। चाइना आपको ध्यान रखना है, चाइना पड़ोसी मुल्क है हमारे। यहाँ बांग्लादेश और म्यांमार के साथ में कोई भी एक घोषित सीमा नहीं है। म्यांमार के साथ में अगर हम सीमा देखें तो प्राकृतिक रूप से सीमा देखते हैं। यहाँ पर हमारे हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, अराकान योमा पर्वत, अराकान योमा पर्वत, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पर है, तो ये प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है ना। तो इस तरह से हमारे उत्तर जो है स्थलीय भाग की सीमा है। अब हम देखते हैं जलीय भाग वाले हिस्से में, तो जलीय सीमा हमारी टोटल जो है वो 7516.6 किलोमीटर है। ये 7516 में 6100 किलोमीटर जो सीमा है ये मुख्य भाग की सीमा है, माने ये जो तट है, ये हमारे जो पृथ्वी, हमारा जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसकी सीमा ये जो है, ये कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर की ये सीमा है, जो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाई गई। हम देखें कि टोटल जो संख्या है 7516.6 किलोमीटर, जो क्या है कि आपके गुजरात, आपके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, पांडिचेरी, इन सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर बने, जिसमें अगर हम देखें तो 9 राज्य ऐसे हैं जो हमारी किस सीमा से लगते हैं, समुद्री सीमा से लगते हैं, जिनमें हमारा आ जाता है गुजरात महाराष्ट्र, गोवा, आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये आपको याद रखना। और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर है पांडिचेरी, ठीक है, और इधर आसपास पड़ता है जैसे लक्षद्वीप और दमन द्वीप, ये आपका क्या हो जाते हैं, यहाँ पर आपके जलीय पड़ोसी केंद्र, जलीय राज्य हम मानते हैं। अब पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हमारे जलीय पड़ोसी राज्यों में मालदीव है, श्रीलंका भारत के सबसे करीब का क्षेत्र है, और श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी, कौन सी खाड़ी है बेटा, मन्नार की खाड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तो मन्नार की खाड़ी आपको याद रखना भारत के तमिलनाडु क्षेत्र और श्रीलंका के मध्य में, यहीं पर एडम का ब्रिज है, राम सेतु है, श्री राम सेतु जो है वो कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के मध्य में। यहाँ पर एक जल डमरू मध्य है जिसको हम कहते हैं पाक जल डमरू मध्य, जो है बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, पाक जल संधि, और तमिलनाडु को किससे अलग कर रहा है, श्रीलंका से अलग कर रहा है, ध्यान देना यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न आना है, तय है, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में कहाँ, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ रही है। मन्नार की खाड़ी अरब सागर में ही, आपके हिंद महासागर में है, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी जो है ये भी हिंद महासागर का ही है भाग है। हिंद महासागर भारत के दो भाग हैं, एक अरब सागर पश्चिम में और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बटा हुआ। इसी अंडमान सागर के पास, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्वी हिस्से में अंडमान सागर है,
अंडमान सागर, जो अंडमान सागर ये सुमात्रा द्वीप के पास, ये मलाया प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप जो है मलाया प्रायद्वीप, यहाँ पर मलक्का जल संधि है जो आपके दक्षिण चीन सागर को यहाँ से जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भारत की सीमाएं, ठीक है। ये हमने आज आपको टॉपिक बता दिया कि भारत के कितने राज्य, तो 18 राज्य जिसको आप जानते हैं, 18 राज्य जो हैं वो किससे लगते हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सभी राज्य जो हैं 18 राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ये जो हिस्सा है ये पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत के भी राज्य जो है सभी राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बढ़िया बनेगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा है। अगर हम बात करें तो पीओके वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर एलएओसी है, और अक्साई चीन वाले क्षेत्र में एलएसी है। ये अक्साई चीन 1962 के युद्ध में चीन द्वारा ले लिया गया, जहाँ पर चीन का अधिकार है 1962 में, और ये 1947 के जो एक आक्रमण था, कबीलायों ने वहाँ के स्थानीय लोगों ने आक्रमण किया था आज़ाद कश्मीर, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको हम कहते हैं, पीओके जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। और यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है अक्साई चीन, चीन के साथ हम एलएसी बनाते हैं और पाकिस्तान के साथ हम एलओसी बनाते हैं। यहीं पर ऊपर वाले हिस्से में सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्तर है, सियाचिन ग्लेशियर जो 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आपको स्थित है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, बहुत हजार ऊंचाई फीट पर यह स्थित है, ठीक है। तो माइनस कई डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, और वहाँ पर हमारे जो भारतीय सेना है उसके सैनिक यहाँ पर क्या करते हैं, ड्यूटी देते हैं, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने लगभग आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, इसके बाद का टॉपिक हम कल देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।